वेलकम टू फूडी नेकी चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अजय। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो आज एक नई वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं और बहुत ज़्यादा स्पेशल ये वीडियो होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो दीवाने हैं चिकन लेग पीस के। जी हाँ, चिकन लेग पीस के जो दीवाने हैं उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक आप पूरा देखिए, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं आपको बताता हूँ, एक ब्रांड में काफ़ी टाइम से सुन रहा था तो मैंने कहा आज उसको ट्राई करते हैं एक बार। तो आज जो ब्रांड मैं लेकर आया हूँ वो है फाइव स्टार चिकन। तो इस ब्रांड का नाम मैंने काफ़ी जगह सुना, तो मतलब अगर इस तरह की बकेट आप देखते हो तो माइंड में एक ही चीज़ आती है, वो है KFC। तो मैंने यहाँ से ट्राई किया। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यूनिक हैं, मतलब जिसके बाद शायद आप भी इसको एक बार ट्राई तो ज़रूर करोगे, उसके बाद हो सकता है इसके दीवाने हो जाओ। तो अभी जो मैं ओपन करने वाला हूँ ये है हॉट एंड स्मोकी। तो आपके लिए मैंने इसके सारे ही फ्लेवर मंगाए हैं, ये हॉट एंड स्मोकी है। बेसिकली जब ये ब्रांड मुझे पता चला तो मैंने सर्च किया ये कहाँ कहाँ पर है, तो जब मैंने चेक किया तो ये दिल्ली NCR को पूरा कवर कर रहे हैं, और ये आपका बेंगलोर के अंदर ब्रांड है। तो गाइज ये देखिए, मतलब ये देखिए बेहतरीन पीस है, ये देखिए कितने सॉफ्ट और कितने मतलब बड़े बड़े पीसेस आपको मिल रहे हैं देखिए। और मैं दोबारा बोलूँगा बहुत हैवी बकेट है ये, काफ़ी हैवी। तो मैंने जब चेक किया तो ये ब्रांड जो निकला वो निकला थाईलैंड का, काफ़ी बड़ा ये ग्रुप है। आपको बता दूँ जिसका मैंने आपको पहले वीडियो दिखाया था कुरुआ थाई, तो बेसिकली उन्हीं का ये ब्रांड है सेफ्रॉन फोकेंड का, और इनके अपने फार्म्स हैं। तो आज मैं उनका ये टेस्ट करने वाला हूँ, तो आपको बताता हूँ किस तरीके का इसका टेस्ट है। ये है मस्टर्ड सॉस, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत अच्छा, काफ़ी क्रंची हो रहा है। और ये बकेट जो कॉस्ट करती है, आप देख सकते हो कितनी बड़ी बकेट है ये जो बकेट है। अभी मैं तीनों की कॉस्ट आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे। बेसिकली इसी चीज़ के लिए मैंने ये रिव्यू कर रहा हूँ इसका। तो काफ़ी क्रंची है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ये काफ़ी चटपटा भी है, तो जिनको चटपटे का शौक है वो इसे खा सकते हैं। और मैं अब आपको नेक्स्ट बकेट अपनी दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट है आपका थाई क्रिस्पी। तो थाई का मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, तो जो लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं उनके लिए, क्या बात है क्या बात है। ये देखिए कितने हैवी पीसीज हैं ये देखिए, मतलब आपको क्लियर अगर मैं बताऊँ तो इतने हैवी पीसीज शायद आपको KFC में नहीं मिलते। KFC मैंने भी खाया तो इतने हैवी पीसेज आप मेरे हाथ में देख सकते हो कितना बड़ा पीस है। तो इसका मैं आप तक टेस्ट पहुंचाता हूं। काफी सॉफ्ट, वही मैंने आपको बोला बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा चटपटा नहीं है, लेकिन जो ये चीज नहीं ज्यादा चटपटा नहीं खाते उनके लिए काफी अच्छा है ये। नेक्स्ट आइटम जो मेरे पास है वो है आपका क्रंची मसाला, ये थोड़ा सा स्पाइसी आपको मिलेगा। ये देखिए गाइस कितना हैवी है ये देखिए, ये देखिए, तब वाकई में एक बकेट एक भुक्कड़ के लिए बहुत ज्यादा है, एक भुक्कड़ के लिए, एक नॉर्मल बंदे के लिए काफी है, वो छोड़ देगा इसे, लेकिन एक भुक्कड़ के लिए बहुत ज़्यादा। ये एक पीस मैंने उठाया भी, ये देखिए, तो आप देख सकते हो कितना हैवी है, और मैं इसे ट्राई कर रहा हूँ। ये देखिए गाइस कितने इजीली ये निकल के आ रहा है, कितने बढ़िया तरीके से बना हुआ है। मुझे बड़ा मजा आ गया, और सच बताऊं
तो वाकई ये काफ़ी ज़्यादा मसालेदार है, काफ़ी ज़्यादा चटपटा है, काफ़ी स्पाइसी है। और ये जो मैंने ऑर्डर किया है ये किया है क्रॉसिंग रिपब्लिक से, तो अगर आप क्रॉसिंग के आसपास हैं या सेक्टर 45 के आसपास हैं या आप ग्रेटर नोएडा रहते हैं या गुड़गांव रहते हैं, लगभग हर जगह आपको ये ब्रांड मिल जाएगा। लेकिन मैंने इसको वाकई में ज़्यादा नाम नहीं सुना था, तो एक दूसरे जब नाम सुना उसके बाद मैंने किया कि इसको ट्राई करते हैं, आप तक इसकी वीडियो पहुँचाता हूँ, क्या टेस्ट है, क्या चीज़ है। मेन जो अब रहता है कि भाई ये जो आइटम मैं लेकर आया हूँ आपके पास ये क्या कॉस्ट करती है। तो गाइस एक बकेट 5 पीस की जो है ये कॉस्ट करती है आपको 315 रुपए। तो मेरे ख्याल से 315 रुपए के लिए एक बार आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तीनों ही बकेट 315 की। इसके बाद मैंने जो ऑर्डर किया है आप लोगों को दिखाने के लिए वो है आपका फाइव स्टार चिकन पॉपकॉर्न, काफी यूनिक लग रहा है। तो ये हमारे चिकन पॉपकॉर्न आ गए, काफी अच्छे लग रहे हैं, तो एक मिनट ट्राई करता हूँ। बड़े मजेदार है, काफी क्रंची है ये, तो बड़ा मजा आ रहा है मुझे इसमें भी, काफी अच्छे क्रंची है। वाकई में पॉपकॉर्न की तरह आवाज कर रहे हैं, जैसे पॉपकॉर्न आपके मुंह में एकदम क्रंची वाली साउंड निकालता है उस तरीके से। एंड लास्ट मेरे पास जो है ये है आपका चिकन चीज सॉस, चिकन चीज सॉल्ट जो मुझे कॉस्ट करता है ये करता है 56 रुपीज का। ये 56 रुपीज में 6 पीस है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनके अंदर कितना ज़्यादा ये चीज़ी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, एकदम लपा लप भरा हुआ ये चीज़ से। और जनरल मैं आपको बताऊँ तो ये मेरे पास डिलीवर हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगा है। अगर आप ऑन द स्पॉट जाके इसको खाते हैं तो शायद इसका स्वाद 40% और बढ़ जाएगा। तो ये मैं चीज सॉस खा रहा हूँ भाई, पूरे मुंह में चीज हो चुका है। और ये इतना ज्यादा सॉफ्ट है, इन सबसे भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है गाइस, अमेजिंग। तो 5 पीस की बकेट आपको कॉस्ट करेगी 315 रुपये, और ये मुझे कॉस्ट कर रहा है 56। जबकि वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो इनका जो पॉपकॉर्न वाला जो आइटम है वो मुझे कॉस्ट करता है 103 रुपए। तो गाइज ये मेन इम्पोर्टेंट था कि प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा फर्क है दोनों ही ब्रांड्स में, बहुत ज़्यादा फर्क है। दूसरा वेट वाइज भी आई थिंक मेरे हिसाब से इसके अंदर ज़्यादा वेट है, इसके अंदर काफ़ी क्रंची है ये। तो एक बार मैं आपको वही बोलूंगा, अगर आप KFC जाते हैं और आपने इसको ट्राई नहीं किया तो एक बार इसको ट्राई जरूर करो, हो सकता है उसके बाद शायद आप उस ब्रांड की तरफ ना जाओ। तो गाइज अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। तो मैं अपना एंजॉय करता हूँ, बाय। तो गाइज कुल मिला के यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि लास्ट में आपको बताऊंगा, तो भाई बहुत ज्यादा जो फर्क आ रहा है वो आ रहा है प्राइस का। KFC की बकेट जो मुझे कॉस्ट कर रही है वो कर रही है आपका 522 रुपए 6 पीस के लिए। और जो मैंने आपको बताया कि वेट वाइज ये उससे ज़्यादा हैवी है, अगर इसकी 5 पीस की बकेट भी आप ले रहे हो तो मेरे हिसाब से उसके 6 पीस से ज़्यादा हैवी है। दूसरी चीज़, इसकी 10 पीस की बकेट आपको कॉस्ट करती है 622 रुपये। वहीं आपको KFC की जो बकेट है 8 पीस की, मैंने लिख के भी रखा हुआ है इसीलिए ताकि कोई मिस्टेक मुझसे ना हो, जो 8 पीस की बकेट है वो आपको कॉस्ट कर रही है 667 रुपीज। और वहां पे आपको पीसेस मिल रहे हैं 8, और यहां मिलेंगे 622 रुपये में 10 पीसेस। तो मतलब जो लेग पीस के दीवाने हैं उनके लिए तो भाई है, अगर आप 315 रुपए में 5 पीस की बकेट मंगाते हो तो आप देखो, मतलब एक जने के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा है। तो भाई बहुत ज़्यादा फर्क है दोनों चीज़ों में। तो भाई मेरा तो हो गया ये फेवरेट, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। मैंने बताई दी हर जगह इसकी ब्रांचेज हैं, तो मैं इन्हें इंजॉय करता हूँ।